आसनसोल कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काशी डांगा है जहां पे पोलिंग बूथ में वोटरों का आरोप है कि यहां पे वोटिंग जो है वो ठीक से नहीं हो रही है। बाबू सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो यहां पे पहुंचे हैं लोगों से बात करने के लिए। आम लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या हुआ है यहां पे। ये मेरा बड़ा भाई जी मेरा वोट दिला सुनो तो मैं औरत लोग वोट देने आ रहा तो वो जो लोग था हाथ पकड़ करके वोट तीन में वोट दे रहा वो देने बोल रहा है कि जब बटन दबाओ चार नंबर बताओ कोई बात हो हम लोगों का पैसा तो खरीद लिया हम वोट देगा चार नंबर में हम जिसका मन है कौन कर रहा है सर भीतर में जो काम कर रहा है भीतर में जो आदमी है का कौन पार्टी का तृणमूल पार्टी का बोल रहे हैं हाथ पकड़ पकड़ के वोट दो इसमें चार नंबर बटन में और नहीं देगा तो मारेंगे ऐसा बोल रहा तृणमूल पार्टी। ऐसा हो गया क्या वोट लेकर खरीद लिया क्या हम लोग पैसा लेकर खरीद लिया हम जिसका दिल है उसको हम लोग देगा। आप लोगों ने वोट दिया अभी तक कौन किया हम लोग को नेता को। तो यहाँ पे अब जो है वोटर कुछ नाराज हो गए थे अब जो सेंट्रल फोर्सेस के लोग हैं वोटरों को यहाँ से खदेड़ रहे हैं उनको कह रहे हैं कि लाइनों में खड़े हो। इस तरह का आरोप आया है कि यहाँ पे अशु क्या हुआ है बताइए क्या हुआ है। 198 सीट में जो बाबुल सुप्रियो किया ये बहुत गलत किया। बाबुल सुप्रियो को रिस्पेक्ट बोल तरीका देने का नहीं है। अब बाबुल सुप्रियो जो कह रहा गुंडागर्दी चलेगा ना वो कितना भी दिल्ली रहे कलकत्ता रहे कहीं भी रहे वो जगह नहीं बना पाएगा। ठीक है क्या है क्या यहाँ गलत यहाँ एकदम पूरा सा बाबुल सुप्रियो ने हमको धकला हम पोलिंग एजेंट है तो पर भी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए बात करना चाहिए ऐसा बात करने का जो तौर तरीके गलत व्यवहार किया जो रिस्पेक्ट करना चाहिए। बे बोलता बे शब्द का मतलब जानता है एक सीनियरिटी बोलता हम एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो सांसद तो अब यहाँ पे मामला जो है पूरी तरीके से तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के बीच बन चुका है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में ही बाबुल सुप्रियो पोलिंग बूथ के अंदर गए थे अब उन पर आरोप लग रहा है तृणमूल कांग्रेस के तरफ से कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को डराया धमकाया है और अब यहाँ पे जो है पोलिंग जो है वो चल रही है लोग यहाँ पे पोलिंग बूथ में खड़े हैं। सेंट्रल फोर्सेस पूरे मामले को यहाँ पे जो है उस पर हस्तक्षेप करके मामले को यहाँ पे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ देवयानी चौबे न्यूज़ नेशन।